बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक रिगार्डिंग हम लोग बहरिया टाउन के हवाले से बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही हम उसमें प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक विला या प्लॉट के हवाले से बात करेंगे, बल्कि आपको कुछ डायनेमिक्स समझाएंगे पाकिस्तान के और जो हमारे इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से आप खुद एनालाइज कीजिएगा कि अगले कुछ अर्सों में क्या होने वाला है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात कहाँ जा रहे हैं, क्या बनेगा। डेफिनेटली जो इकोनॉमिक रिसेशन हम लोगों ने देखा और कोविड के बाद दो से तीन साल के अंदर जो प्रॉपर्टी और रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जितनी रेट्स के अंदर डाउनफॉल आपने देखा वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा। बट अब हम आगे का देखेंगे कि इन फ्यूचर हमने क्या करना है, आगे हालात क्या जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमने उस हिसाब से क्या प्लानिंग करनी है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कोई 10,000-20,000 रुपए की चीज़ नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टी होती है, भले वो घरों के सूरत में हो, भले वो अपार्टमेंट्स हो या जो प्रॉपर्टी ओपन लैंड होती है वो है। सो जी 3-4 पॉइंट्स मोटे मोटे मैं आपका डिस्कस करूंगा जिस हिसाब से आपने खुद एनालाइज करना है कि अगले कुछ अर्से में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या होने वाला है। नंबर वन, स्टेट बैंक की लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन हर साल 2.5% के करीब इंक्रीज हो रही है और दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। यानी अगर पहले 1% थी वो 1.25% पे आ गई, वो फिर 2% के ऊपर गई, तो इस वक्त तकरीबन 2.5% के करीब हमारी पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। अच्छा, सेकंड जो ये भी सेकंड पॉइंट भी मैं स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक ही बता रहा हूँ कि जिसके मुताबिक 2024 में तकरीबन पाकिस्तान को 12 लाख के करीब नए घरों की ज़रूरत होगी, क्योंकि डेफिनेटली जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे ही लोगों की ज़रूरियात बढ़ेगी घरों की। सो ऑलमोस्ट कुछ 12 लाख के करीब, 12,40,000 के करीब फिगर दी है स्टेट बैंक की रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक 12,40,000 नए घर बनाने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। अच्छा, इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 12,40,000 में 50% है, यानी ऑलमोस्ट 6.25 लाख के करीब घर बनाने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर है, यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी। और रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पहले 75% जो था वो हमारे देहली इलाकों में, यानी गाँव देहात में लोग बसते थे, बट टाइम के साथ लोग शहरों में आने लग गए। उसकी रीज़न शहरों में थोड़ी सहूलियात ज़्यादा होती हैं, लाइफ आसान है कंपेरेटिवली गाँव देहात के। सो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो आबादी है जो 75% पहले दिल्ली थी और 25% शहर में थी, बट वो आबादी इस वक्त कन्वर्ट हो गई ऑलमोस्ट कोई 50-50 के ऊपर आ गई कि हमारे 50% आबादी इस वक्त शहर में बस रहा है और 50% हमारी जो आबादी का हिस्सा है वो गांव देहात में बस रहा है। सो डेफिनेटली एक तरफ हमारी 2-2.5% आबादी भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये जो लोगों का नकल मकानी है कि देहातों से शहरों की तरफ आने का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो ऑलमोस्ट यानी 12 लाख से जो 6 लाख के करीब आबादी है वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन शहरों के अंदर है। सो हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर 6 लाख में से दो लाख आबादी इन शहरों को दी जाए, कि कराची के अंदर भी 2 लाख घर नए घर बनाने की जरूरत है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी 2 लाख घर बनाने की जरूरत है और लाहौर में भी। सो आप चेक करें तो आपको एनुअली ऑलमोस्ट कोई 10,000-20,000 या 25,000 भी घर नहीं बन पाते, नए घरों की मैं बात करूँ। सो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ बैकलॉग है कि जो नए घरों की जरूरत इस वक्त बनने की जरूरत है, भले वो कराची शहर है, भले वो लाहौर है या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये 4 पॉइंट मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जिनको स्टेट बैंक ने जिक्र किया। सो अब नए घरों की जरूरत तो आ गई नंबर वन। अच्छा, मैं ज़्यादा स्पेसिफिक करूँगा घरों के अंदर, क्योंकि जितने भी ओपन लैंड है जो प्लॉट किए जाते हैं या फाइलों में काम होता है वहाँ पे नॉर्मली इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, वहाँ पे लोग सट्टेबाजी भी करते हैं रातों रात, लोग वो इन्वेस्टर होता है, उसको रियल एस्टेट सेक्टर से कोई गर्ज नहीं है, वो इन्वेस्टर गाड़ियों के बिजनेस के अंदर भी जाता है और सट्टा, यानी अपना पैसा 10 लाख रुपए का उसको 11 लाख करना है या 1 करोड़ को 1.25 करोड़ करना है। तो जो इन्वेस्टर है, जो सट्टेबाज है, वो हर फील्ड के अंदर है, वो गोल्ड की फील्ड के अंदर भी घुसेगा, वो स्टॉक मार्केट में भी घुसेगा, वो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में घुसेगा, बट रियल एस्टेट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ओपन लैंड यानी प्लॉटों में या फाइलों में काम करेगा, वो कभी घरों के झंझट में नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ी ख्वारी होती है, घर आना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसका ट्रांसफ़र उसमें टेनेंट को दो। तो जितने भी इन्वेस्टर है वो प्रॉपर्टी के विलास में नहीं या घरों में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन लैंड में आता है। सो जी नंबर वन, हम स्पेसिफिक कर रहे हैं जितने भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, भले वो फ्लैट्स हैं या यानी अपार्टमेंट या घरों की सुरक्षा। सो ये एक दो चीज़ हमें दिखती है कि जी घरों की आबादी के हिसाब से जो शहर में आबादी बढ़ रही है और हमारी आबादी वैसे भी जो बढ़ रही है, इसके हिसाब से हमें हर साल ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब घर नए बनने हैं कराची में, 2 लाख लाहौर और 2 लाख इस्लामाबाद। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त इंटरेस्ट रेट तकरीबन 20-22% के करीब चल रहा है, और यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है और आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग में, भले वो आपका कन्वेंशनल बैंक है, भले वो इस्लामिक बैंक है, आप उसको 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 20-22,000 रुपए मिल जाते हैं।
सो डेफिनेटली कोई भी बंदा है जिसको पता है यार मेरी 1 लाख रुपए सेविंग और मैं उसको बैंक में रखाऊंगा, मुझे आराम से 20 से 22 हजार महीने का मिलेगा, मंथली मुझे मिल रहा है, तो वो इजीली आप उसको बहुत कंफर्टेबल है कि वो अपनी पेमेंट को बैंक में रखवा दे, भले वो कन्वेंशनल में रखवाए या स्थानिक में रखवाए, आराम से घर बैठे वो अपने किचन के खर्चे वो निकाल लेते हैं। सो ये सेकंड बड़ा फैक्टर है कि जो जिस वजह से रियल एस्टेट चल नहीं रहा, क्योंकि बैंक का जब तक ये इंटरेस्ट रेट जो 20-22% यहाँ से कम ना है, 2-3 महीने पहले आप देखा होगा तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी और 1.5% कम किया, ये हम उम्मीद कर रहे हैं अगले आपको ये जून जुलाई के बाद देखेंगे शायद 1-2% मजीद कम कर दिया जाए और ये आपको जो आने वाला दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 होगा इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे शायद ये 14-15% के ऊपर या उससे भी कम हो जाएगा। सो जब इंटरेस्ट रेट इतना कम होगा तो लोगों को फिर इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को जो इस वक्त फिक्स इनकम की आदत लगी हुई है किसी एक लाख के ऊपर उनको 20-22 हजार रुपये मिल रहा है, यानी 20-22% मिल रहा है, जब वो 15% के ऊपर आ जाएगा तो लोगों को इतना उसमें अट्रैक्शन दिखेगी नहीं और लोग फिर अपना पैसा ऐसा ऐसा बैंकों से निकाल के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करेंगे और उसमें उनको रियल से सेक्टर डेफिनेट नंबर वन के ऊपर होता है, क्योंकि डेफिनेट जैसे आपको मैंने जिक्र किया कि घरों की डिमांड तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लोगों की नकल गांधी बढ़ रही है, तो घरों की डिमांड तो अपनी जगह पर खड़ी है, बट लोग घरों में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनको दूसरी तरफ बैंक का सेफ फिक्स इंटरेस्ट दिख रहा है कि आराम से वहां मिल रही है। सो ये दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस वक्त तो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत दबाव है, क्योंकि 20-22% लोगों को यहाँ से मिल रही है, बट जैसे ही इस 20-22% में 18-17 या हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ये 15% या 14% नीचे गिरेगा, तो लोगों को वहां से रिटर्न कम मिलेगा, तो लोग फिर वो पैसा निकाल के घरों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि घरों की डिमांड हमेशा से है और ये रहेगी और ये आए से टाइम बाय टाइम बढ़ी रही है। अच्छा, ये दो बड़े फैक्टर है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये चीज़ होगी। प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी न्यूज़ है कि अगले कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह वो भी आने वाली है और वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ही आएगी। फोर्थली, जो क्रैकडाउन की आप न्यूज़ सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से, और क्रैकडाउन जब भी होता है वो सारी जो बड़ी मछलियाँ हैं जो हमारी माफिया है उसके ऊपर किया जाता है, और उन्होंने जितना भी पैसा डंप किया होता है ज़ेरे ज़मीन रखते हैं या उसको स्टोर करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जी उन्होंने भले वो किसी भी तरीके से वो ब्लैक मनी किसी भी तरीके से हासिल किया हो, हम उस डिटेल में नहीं जाते, बट उस ब्लैक मनी को निकालते हैं और उसका सबसे पहला और आसान तरीका गवर्नमेंट जो कर रही है जिसके ऊपर सोच रही है वो ये है कि जो 5,000 का नोट है इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। तो डेफिनेट जब 5,000 का नोट ख़त्म करेंगे तो लोगों को टाइम दिया जाएगा डेफिनेटली 4 महीने या 6 महीने के अंदर हम ये नोट ख़त्म कर रहे हैं, तो जैसे ही वो नोट निकलेंगे उन तिजोरियों से वो ज़ेर ज़मीन जगहों से वो नोट निकल के मार्केट में आएंगे, तो उसने किसी न किसी सेक्टर के अंदर जाना है और वो उसी सेक्टर में जाएगा जहाँ पर उसको ज़्यादा जूस नज़र आएगा। सो ये 3-4 मोटे मोटे पॉइंट है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह हम अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, भले वो किसी भी एरिया है, भले वो DHA है, वो बहरिया टाउन है, वो कराची किसी भी है या लाहौर इस्लामाबाद किसी भी कोई भी सोसाइटी है, वहाँ हमें अगले 1-1.5 साल के अंदर थोड़ा सा रेट में इंक्रीज देख रहे हैं। हम हमेशा अपने इन्वेस्टर को बोलते हैं कि कभी शॉर्ट टर्म रिटर्न के ऊपर ना जाए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो लोग सट्टेबाजी करते हैं जैसे आपको मैंने बताया फॉर्मों में खेल दिया, लाइक बहरिया टाउन के अंदर जब पेशावर आया, जब नवाबशाह आया या DHA बहरिया कराची आया, कि डिफरेंट जगहों के ऊपर जब ओपन फॉर्म आते हैं तो लोग उसमें रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश करते हैं, चंद लोग बन भी जाते हैं और बहुत सारे लोग गंवाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उस सोसाइटी को ब्लेम करते रहते हैं। सो जी, हमारा हमेशा से मशवरा रहा है कि इसको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अगर आप लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल रखें कि जी हमें 2-3 साल तक अपने पैसे को निकालना नहीं है और यहाँ से अच्छे रिटर्न लेके चलना है। स्पेसिफिकली बहरिया की बात, इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट कुछ 10 साल पुराने रेटों के ऊपर आ गई है, यानी आप समझ जिक्र करो तो 125 स्क्वायर रेट प्लॉट बहरिया ने 17,25,000 रुपये का बुक किया था 2013 में और ये 2024 चल रहा है, आज भी कुछ परसेंट में आपको 17,25,000 रुपये के ही प्लॉट मिल जाते हैं, जिसमें 26 A भी है, 25 A भी है, 23 भी है। इसी तरह मैं 250 कैटेगरी की बात करूँ तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू 28,50,000 रुपये थी, बट वो आज 20-25 लाख रुपए के प्लॉट भी आपको 32 के अंदर या 22 के अंदर यहाँ मिल रहे हैं 500 गज के अंदर भी इसी तरह से। सो जी, अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को 2-3 साल तक के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है, ले लीजिए। और अगेन मैं बताऊँ कि ये राइट टाइम मतलब नहीं है कि आपने आज ही खरीदना है, अगर हमें 2-4, 6-8 महीने भी कोई मार्केट में तेज़ी दिखती थी, बट इन लॉन्ग रन हमें इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छी रिटर्न की उम्मीद है। सो इसी मुझे उम्मीद के साथ कि आप भी बहुत ध्यान से और सेफली इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।